फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोग यहाँ पे दिखा दूँ तो देख सकते हैं आप लोगों को MIUI 12 की ऑफिशियल UI ऑफिशियल स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आइकन पैक की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की आप लोग आइकन पैक देखने को मिल जाती है, और एनिमेशन वगैरह की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ इस तरह की आप लोग देखने को मिल जाती है। वॉलपेपर की तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें MIUI 12 की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। और आप लोग भी कैसे इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। सब कुछ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बता दूंगा कि MIUI 12 की स्क्रीन, MIUI 12 की थीम, MIUI 12 की आइकन पैक, सब कुछ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसमें दिखा दूंगा। सब कुछ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं, और आप लोग भी इसे कैसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को रूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबाकर, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर काला कर दीजिए, और उसके बगल में आप लोगों को एक घंटा देखने को मिलेगा, उसे दबाकर आप लोग यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी, और आप लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तो MIUI 12 की थीम कुछ इस तरह से आप लोग देखने को मिलती है। होम स्क्रीन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से मिनिमलिस्टिक सा लुक हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोगों को इस थीम में डायनामिक वॉलपेपर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो कुछ देर पहले जब मैंने अपने फोन को रिकॉर्ड किया था तो आप लोगों को वॉलपेपर डिफरेंट टाइप की देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे दोस्तों यहाँ पर टाइम चेंज हुआ, जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम चेंज हुआ, आप लोग यहाँ पर डायनामिक वॉलपेपर देखने को मिल गई है, यानी रात के समय की वॉलपेपर आप लोग इसमें देखने को मिल जा रही है। तो इसमें आप लोगों को डायनामिक वॉलपेपर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स होम स्क्रीन की, और अगर मैं आप लोगों को लॉक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है वॉलपेपर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आप लोगों को वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग यहां से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आप लोगों को कुछ शॉर्टकट देखने को मिल जाती है, कैलकुलेटर देखने को मिल जाती है, वीचैट एप्लीकेशन, और इसे हम लोग कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, वेदर देखने को मिल जाती है, स्टॉप टाइमर देखने को मिल जाती है, फ्लैशलाइट और सेटिंग देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। तो जहां पे आप लोग कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहां से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमारा कैमरा यहां पर ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि MIUI 12 की अपडेट में हमें कुछ इस तरह की आइकन पैक और इस तरह की एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। अभी कोई ऑफिशियल फ्रेंड्स देखने को नहीं मिली है, लेकिन जैसा कि MIUI 11 के टाइम में जो आइकन पैक हमें देखने को मिली थी, जो MIUI 11 की थीम लीक होकर आई थी और उसमें जो आइकन पैक हम लोग यूज कर रहे थे, सेम आइकन पैक फ्रेंड्स हमें MIUI 11 की ऑफिशियल अपडेट में देखने को मिली थी। तो हो सकता है जैसा कि अभी ये लीक निकल के आया है, सेम आइकन पैक हमें इस बार भी देखने को मिल जाए। तो थीम फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूं, तो कुछ इससे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नॉर्मल मोड, डायनामिक मोड देखने को मिल जाती है, और आइकन पैक फ्रेंड्स बात करें तो कुछ इससे देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स इसमें डार्क मोड की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ क्विक सेटिंग पैनल में, तो क्विक सेटिंग पैनल की आइकन आप लोग यहाँ पर चेंज हो जाती है, डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को डार्क मोड को एनेबल करता हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं डार्क मोड में भी आप लोग यहाँ पर ये थीम काम करता है। और अगर मैं आप लोग यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर को चेंज करके अगर दिखा दूं तो फ्रेंड नेविगेशन बटन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है इस थीम में। अगर आप लोग फुल स्क्रीन जेस्चर को यूज करते हैं तो आप लोग यहां पर फुल स्क्रीन जेस्चर को भी यूज कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कुछ पूछना हो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, और मुझे आप लोगों के लिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का दिल करता है।